लास्ट लेक्चर हम लोगों ने मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखा था, जिसमें तीन चार मेथड है, ठीक है, और उसके लास्ट वाला मेथड था फॉर इनफाइनाइट लैडर सर्किट, ठीक है ना। तो उसका स्टैंडर्ड टेक्निक है, वही फॉलो करना है। अब हम चैप्टर में थोड़ा अलग पॉइंट पे पढ़ते हैं आगे। रेजिस्टेंस कैलकुलेशन हो गया, तो नेक्स्ट हमको थोड़ा सा डिस्कशन करना है, हेडिंग पड़ेगा बैटरी एंड इट्स ईएमएफ, बैटरी एंड इट्स ईएमएफ, ठीक है। हालांकि जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं वो एक तरह से केमिकल बैटरी है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं, और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसके दोनों टर्मिनल्स पे अलग अलग आयंस, मतलब एक टर्मिनल पे पॉजिटिव आयंस और एक टर्मिनल पे नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेट होते हैं। तो ऑफकोर्स हम लोग उसके केमिस्ट्री वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे, हाँ उसके फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको स्टडी करेंगे कि अगर हम फोर्स और वर्क डन में चीजों को लेके आए तो वो कैसे एडजस्ट होंगी, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक बात हम लोग बैटरी में ये बोलते हैं कि अ बैटरी मेंटेन्स, अ बैटरी मेंटेन्स कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। अ बैटरी मेंटेन्स कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, ठीक है। बैटरी को हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी के हम दो प्लेट्स दिखाते हैं, ठीक है, और उन दो प्लेट्स में से एक प्लेट का साइज दूसरी प्लेट से थोड़ा बड़ा रहेगा, तो जो प्लेट बड़ी है उसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे, और जिसका साइज छोटा है वो हो गई नेगेटिव प्लेट, कन्वेंशन है ये, ठीक है। एक्चुअली दोनों में साइज में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, बट कन्वेंशन के हिसाब से ही बड़ी छोटी है, ठीक है। अब देखो बैटरी की एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि जो इसका लेफ्ट वाला प्लेट है डायग्राम के हिसाब से वो हायर पोटेंशियल पे होगा, और जो राइट साइड वाला प्लेट है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। और ये हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं ओपन सर्किट कंडीशन। ओपन सर्किट कंडीशन का मतलब ये है कि अभी हमने इस बैटरी के टर्मिनल्स को कहीं कनेक्ट नहीं किया है, कहीं कनेक्ट नहीं किया है, तो इस बैटरी से हम एनर्जी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम सिर्फ बैटरी के अंदर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो एक प्लेट हायर पोटेंशियल है, एक प्लेट लोअर पोटेंशियल है, ठीक है, हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल है, तो ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्यों भाई। तो प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल प्लेट टू लोअर पोटेंशियल प्लेट होगा, ये भी क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बैटरी के अंदर कोई पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है कोई एक ले लेते हैं, सपोज हम लोग प्लस क्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव आयन है तो उस पॉजिटिव आयन की टेंडेंसी किधर जाने की होगी अगर वो फ्री टू मूव है। तो देखो अगर वो आयन्स फ्री टू मूव है तो इसका मतलब है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्यू ई का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ई किसकी वजह से आया, ई आया है दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आया है, वो आया है रिएक्शंस की वजह से। रिएक्शंस इस तरह से हो रही है कि एक प्लेट पे हमेशा पॉजिटिव आयंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं और एक प्लेट पे हमेशा नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये शायद तुम उसमें पढ़ते होगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में, क्यों भाई आता है क्या ये, मतलब रिएक्शन वाली बात। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर ये फ्री टू मूव है तो मैंने बोला कि ये हमेशा जाना चाहेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर राइट साइड में एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स को मैं लिख दे रहा हूं एफ ई, ठीक है। एफ ई कौन सा फोर्स है, एफ ई है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक
फील्ड, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा हो कि भाई आयन फ्री टू मूव हो, तो क्या सारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट पे चला जाएगा, एंड सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे चला जाएगा। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव पे जाएगा तो इसका मतलब वो बैटरी जो है वो रखे रखे डिस्चार्ज हो जाएगी, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। बैटरी डिस्चार्ज तभी होगी जब हम उसे कोई एनर्जी ड्रॉ करेंगे। नॉर्मली बैटरी बंद रखी हुई है तो उसमें कोई भी करंट चार्ज फ्लो नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई और फोर्स भी है जो इस चार्ज को उधर जाने से रोक रहा है। एक्चुअली वो फोर्स नहीं है, एक्चुअली वो रिएक्शंस हैं, बट हम लोग इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको फोर्स बोल देंगे। और मैं उस फोर्स को नाम देता हूँ, वो फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है और वो फोर्स है एफ बी। एफ बी कैसा फोर्स है, तो इसको हम बोल देते हैं फोर्स ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म विच ड्राइव्स चार्जेस विच ड्राइव्स पॉजिटिव चार्जेस टू हायर पोटेंशियल प्लेट, हायर पोटेंशियल प्लेट। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है? और अगर ये सिचुएशन ओपन सर्किट कंडीशन में है, तो ओपन सर्किट कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कोई भी करंट का फ्लो नहीं है, और कोई भी करंट का फ्लो नहीं है का मतलब ये हुआ कि ये एफ बैटरी इस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एग्जैक्टली इक्वल होगा, ठीक है ना। और सिंपली बोल सकते हैं कि नो चार्ज फ्लोज बिटवीन प्लेट्स ऑफ बैटरी। बोलो पहले इतनी बात क्लियर है? Fe कौन सा फोर्स है? Fe फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों आया? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे आया? वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आया। अब चार्जेस पे फोर्स Fe लग रहा है, राइट साइड में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई होगा जो उसको रेस्ट पे रखे हुए है, तो उस फोर्स को मैंने नाम दे दिया Fb। वी कॉल इट लेट्स से बैटरी फोर्स, मतलब ये वो फोर्स है जो बैटरी अप्लाई कर रही है, वो अप्लाई कर रही है यूजिंग इट्स केमिकल एनर्जी। तो वो बैटरी फोर्स लेफ्ट साइड में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट साइड में है। स्टेडी स्टेट में जब हम कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ओपन सर्किट कंडीशन है, तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। दोनों फोर्सेस के एग्जैक्टली सेम होने की वजह से कोई भी आयन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये किसी भी साइड में मूव नहीं कर रहा होगा, यानी कि सारे के सारे चार्जेस जो है वो रेस्ट पे होंगे, ठीक है। बोलो कोई डाउट है तो। क्लियर है यहां तक? बताओ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब अगर हम इसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं इसके दोनों टर्मिनल्स थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, तो देखो चार्ज का नेचुरल फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का नेचुरल फ्लो है फ्रॉम हायर पोटेंशियल प्लेट टू लोअर पोटेंशियल प्लेट, बट बैटरी के अंदर से वो चार्ज दूसरी प्लेट पे नहीं पहुंच पा रहा है बिकॉज ऑफ बैटरी फोर्स। तो अगर हम इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को किसी वायर के थ्रू, किसी रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, तो ऐसे समझो कि उस पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल प्लेट पे जाने के लिए एक हमने दूसरा रास्ता दे दिया है। बैटरी के अंदर से जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एफ बैटरी लग रहा है, लेकिन बैटरी के बाहर से यानी एक्सटर्नल सर्किट से वो चार्ज फ्लो हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम ये लिखेंगे, व्हेन बैटरी टर्मिनल्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर हैविंग सम रेजिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज flows from higher potential plate to lower potential plate following
एक्सटर्नल पाथ। बताओ इतनी बात क्लियर है, डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है क्लियर है, व्हेन बैटरी टर्मिनल्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर हैविंग सम रेजिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल प्लेट टू लोअर पोटेंशियल प्लेट फॉलोइंग एक्सटर्नल पाथ। मतलब बैटरी के अंदर से ऐसा पॉसिबल नहीं है, बैटरी के बाहर से वो चार्ज फ्लो करके जा रहा है। ये लाइन क्लियर है ना, इतनी बात, डायग्राम की जरूरत तो नहीं है ना। अब मुझे ये बताओ कि जब पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट पे पहुंचेगा, तो इस पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज डेंसिटी और उस नेगेटिव प्लेट पे चार्ज डेंसिटी के बारे में क्या कहोगे? मतलब पहले पॉजिटिव प्लेट थी, एक नेगेटिव प्लेट थी, पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकल गया है और नेगेटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया है, तो नाउ व्हाट अबाउट डेंसिटीज, न्यू डेंसिटीज ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, किस पे बढ़ेगी, किस पे कम होगी, या दोनों पे ही कम हो जाएगी? तो भाई दोनों पे कम हो, दोनों पे ही कम हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव निकल गया इसलिए पॉजिटिव का कम हो गया, और नेगेटिव पे पॉजिटिव पहुंच गया है तो नेगेटिव का भी कम हो गया है। अब जैसे ही वो डेंसिटीज कम होंगी, ठीक है, क्या वैसे ही बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखाया हुआ है ई, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी, और इसकी स्ट्रेंथ जैसे ही थोड़ी सी कम होगी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही थोड़ा सा ड्रॉप होगा, वैसे ही एफ बैटरी फोर्स जो है वो एफ ई से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले दोनों इक्वल थे, अब एफ ई कम हो गया है, तो एफ ई जैसे ही कम होगा एफ बी डोमिनेट करेगा, और जैसे ही एफ बी डोमिनेट करेगा तो एफ बी क्या करेगा, एफ बी पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड में ड्राइव करके ले आएगा, और जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट लेके आएगा, सच दैट फिर से एफ बैटरी और एफ ई इक्वल हो जाए, तो फिर से वही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। बताओ, मैंने कहा कि पॉजिटिव प्लेट जो हम इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू अ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो एक चार्ज है Q, वो इधर से फ्लो कर गया, ये चार्ज फ्लो करके इस प्लेट पे पहुंच गया, और इस चार्ज के फ्लो करने से दोनों प्लेट्स के चार्ज में कुछ कमी आई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो एफ बी जो है वो एफ ई से ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही एफ बी एफ ई से ज्यादा हुआ, वैसे ही वो उतना चार्ज प्लस क्यू लेके लोअर प्लेट से हायर प्लेट पे आ जाएगा, मतलब चार्ज लेके आना शुरू करेगा, जब तक वो सेम चार्ज नहीं आ जाता है तब तक की पोटेंशियल डिफरेंस कम ही रहेगा, और जैसे ही वो सेम चार्ज आ जाएगा जितना चार्ज फ्लो हुआ था, तो मैं कहूंगा कि फिर से दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन हो जाएगा। तो बैटरी इस तरह से दो काम कर रही है, एक तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन कर रही है ऑल द टाइम, और बैटरी के अंदर चार्ज का मोशन कैसे हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नॉर्मली हमसे पूछा जाएगा कि बैटरी से कनेक्ट करते हैं जब रेजिस्टेंस को, तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या लोअर टू हायर? तो तुम कहोगे सर लोअर टू हायर फ्लो करता है चार्ज, करेक्ट, सही है, क्योंकि ये ए प्लेट हायर पे है, बी प्लेट लोअर पे है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बैटरी के अंदर क्या होता है, तो बैटरी के अंदर ठीक उल्टा काम होता है, बैटरी के अंदर चार्ज लोअर प्लेट से हायर प्लेट आता है, कौन लाता है, तो बैटरी फोर्स लाता है, तभी तो बैटरी की एनर्जी कम होती है, क्योंकि किसी चार्ज को लोअर से उठाया हायर पे रखा तो उसमें एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, तो उसी में बैटरी डिस्चार्ज होती है। बताओ ये मैकेनिज्म क्लियर है पूरा, तो आगे नोट कर लेना। When battery terminals are connected through a conducting wire having some resistance, positive charge flows from higher potential plate to lower potential plate following a following external path. ठीक है, और आगे इसमें हम लिखेंगे same amount of charge, same amount of charge is moved by the battery from negative plate to
पॉजिटिव प्लेट इनसाइड द बैटरी, इनसाइड द बैटरी सच दैट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्टोर्ड। ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग एक जो डेफिनेशन एक दो ध्यान रखनी है, तो उसमें एक पॉइंट यही लिख देंगे, वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट इनसाइड बैटरी is called electro motive force, या इसी का शॉर्ट फॉर्म है EMF। अब ये थोड़ा सा मिसनॉमर है, मिसनॉमर ये है कि भाई नाम फोर्स है और है ये वर्क डन, तो ये तुम भी ध्यान रखना। ठीक है ना। इट इज वर्क डन बाई बैटरी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब ये बताओ कि अगर क्यू चार्ज बैटरी लेके आई है तो वर्क डन बाय बैटरी को हम लोग क्या ले सकते हैं, तो वर्क डन बाय डब्ल्यू बैटरी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है। इसमें इस ई को हम लोग बोल रहे हैं, दिस ई इज कॉल्ड EMF। तो बैटरी ये वाला फॉर्मूला इस चैप्टर में तो कम यूज होगा, कैपेसिटर वाले चैप्टर में कई जगह यूज आएगा कि बैटरी ने अगर क्यू चार्ज एक्सटर्नल सर्किट में डिलीवर किया है तो बैटरी ने कितना वर्क किया होगा, तो बैटरी ने वर्क किया होगा क्यू इनटू ई, वेयर ई इज ईएमएफ ऑफ बैटरी। ठीक है ना। एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज फ्लो अपने आप होता है, ये समझो बैटरी का काम होता है बैटरी के अंदर चार्ज फ्लो कराना, तो बैटरी के अंदर का जो चार्ज फ्लो है वो थोड़ा अलग है, बैटरी के अंदर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आता है, आउटर सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। बताओ ये पार्ट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, ध्यान रखने वाला, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे हम लोग लिखते हैं ना कंडक्टर का रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे तो चलता नहीं है, वो टकराते हुए चलता है, और उसके कोलिजन्स की वजह से जो उसका मोशन हिंडर होता है उन्हीं कोलिजन्स को हम लोग अल्टीमेटली मैक्रोस्कोपिक लेवल पे रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर में होगा, एक्चुअली क्या होगा जहां भी चार्ज फ्लो होगा वहां पे रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो है वो लिक्विड सॉल्यूशन में हो रहा है, मतलब बैटरी की दोनों प्लेट्स किसी सॉल्यूशन में पड़ी होंगी, सॉल्वेंट में पड़ी होंगी जो भी है, तो जब चार्जेस मूव करेंगे उसके एक पॉइंट एक प्लेट से दूसरे प्लेट तो वहां पे भी उनको रेजिस्टेंस कुछ फॉलो करना पड़ेगा, तो वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का वो भी कई बार हमको लेना पड़ता है। आइडियल बैटरी अगर है तो हम लोग बोलते हैं आइडियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, बट बैटरी अगर नॉन आइडियल है तो बैटरी के पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा जो हमें सॉल्व करने के लिए उसके साथ में दिखाना चाहिए सीरीज में। अब बैटरी ये इतनी छोटी सी बनाते हैं तो उसके अंदर कहां रेजिस्टेंस दिखाएंगे, तो कई बार उसके बाहर दिखा देते हैं। तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं, नॉन आइडियल बैटरी है जैसे, तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से रहेगा। ठीक है ना। इसका ईएमएफ हो गया ई और ये हो गया आर, दिस आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक है।
ठीक है, नीचे इसमें कुछ खास बातें वो और नोट कर लो। फर्स्ट पॉइंट में चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज ऑलवेज एप्लीकेबल ड्यूरिंग बैटरी ऑपरेशंस, दैट इज चार्ज लीविंग एट पॉजिटिव टर्मिनल मस्ट बी इक्वल टू चार्ज रीचिंग एट निगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना, मतलब बैटरी के अंदर चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमेशा एप्लीकेबल होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि बैटरी के अंदर चार्ज बढ़ गया या बैटरी के अंदर चार्ज कम हो गया, दोनों सिचुएशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना चार्ज निकलेगा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे उतना ही चार्ज वापस आना चाहिए। अब तुम कह सकते हो कि अगर वापस आने का रास्ता नहीं है, तो अगर वापस आने का रास्ता नहीं है तो बैटरी के पॉजिटिव से कोई चार्ज निकलेगा ही नहीं। अगर तुम कॉन्सेप्चुअली सोचोगे तो तुम कहोगे हाँ बात तो सही है भाई, बैटरी से चार्ज क्यों फ्लो कर रहा था, क्योंकि जब हमने दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट किए, दोनों कनेक्ट किए तो चार्ज को रास्ता मिला इधर से उधर जाने का। अब तुम करोगे केवल पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, नेगेटिव कनेक्ट ही नहीं किया, तो अगर केवल पॉजिटिव कनेक्ट किया तो चार्ज कैसे फ्लो कर पाएगा। चार्ज का अल्टीमेट पर्पज था पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे पहुंचना, तो जब तक दोनों टर्मिनल कनेक्ट नहीं होंगे तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो ऐसे भी दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं, सिंपली सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना रहता है, बट बैटरी में क्या होता है कि चार्ज जाने का रास्ता और आने का रास्ता अलग अलग होता है। तो अगर दोनों का रास्ता अलग अलग है तो इसका मतलब है कि वो चार्ज भेजेगी ही नहीं, चार्ज भेजेगी तभी जब वापस आने का रास्ता होगा। ठीक है ना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी टर्मिनल्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी टर्मिनल्स। तो सपोज दो तीन केस हैं, दो तीन केस हैं इसमें। सबसे पहले केस लेते हैं डिस्चार्जिंग। देखो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसका सिग्निफिकेंस है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, और मैंने कहा ना जितना पॉजिटिव से निकलेगा वो उतना निगेटिव पे पहुंचेगा। मैंने दोनों टर्मिनल कहीं कनेक्ट कर रखे हैं सर्किट में, किसी और सर्किट में कनेक्टेड है, ओपन नहीं है, तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। डिस्चार्ज होगी तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, नेगेटिव से उतना ही वापस आएगा, कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा। तो हमें निकालना है कि व्हाट इज VA माइनस VB। तो देखो अगर हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कभी भी VA माइनस VB निकालना है, मतलब समझना A और B के पोटेंशियल में डिफरेंस निकालना है और उसमें से भी हमें चाहिए VA माइनस VB। तो VA माइनस VB एक चीज होती है पोटेंशियल डिफरेंस, और एक चीज होती है VA माइनस VB। तो VA माइनस VB का मतलब है कि इसको विद साइन लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस में मतलब तो हम बोल देते हैं कि प्लस लिख दो या माइनस लिख दो, बट VA माइनस VB का मतलब होगा विद साइन। तो ध्यान से देखना साइन क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पर्पस ये होगा कि हमें पॉइंट ए से चल के इस सर्किट में पॉइंट बी पे पहुंचना है। VA माइनस VB का मतलब है ए से चल के बी तक पहुंचना है। किस रास्ते जाना है? किसी भी रास्ते जा सकते हैं, कंडक्टिंग होना चाहिए। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे सामने जो रास्ता अवेलेबल है वो ये वाला रास्ता अवेलेबल है। तो जब हम इस रास्ते पे चलेंगे तो सबसे पहले बताओ हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले हमें मिली बैटरी, और बैटरी में देखो कौन सा टर्मिनल हमको मिल रहा है, पहले पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है।
तो इस केस में ध्यान से देखो तो हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है तो हम लोग लिख देंगे सबसे पहले प्लस ई, ए से जब बी की तरफ जा रहे हैं तो पहले कौन सा टर्मिनल है, प्लस है तो प्लस ई लिख दिया। फिर जब हम बैटरी को क्रॉस करके रेजिस्टेंस पे पहुंचे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर, लेकिन प्लस आई आर लिखना है या माइनस आई आर वो डिसाइड करेगा करंट का डायरेक्शन। हम करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है यानी कि प्लस आई आर, और करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल राइज होगा यानी कि माइनस आई आर। तो फिलहाल इस केस में आएगा माइनस आई आर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी हो गया व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग। देखो सिमिलरली अगर सिचुएशन हो चार्जिंग की, अब कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जिन चार्ज डिस्चार्ज दोनों हो सकती हैं, तो अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चार्जिंग के दौरान करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होगा और नेगेटिव से एग्जिट होगा, तो बताओगे इस केस में वी ए माइनस वी बी क्या लिखोगे? तो भाई इस केस में वी ए माइनस वी बी क्या लिखोगे? ई प्लस आई आर। इस बार फिर से बैटरी का तो पॉजिटिव टर्मिनल ही पड़ेगा तो प्लस ई, लेकिन करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस आई आर। तो कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्कूल एग्जाम में कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा हो जाए, इज इट पॉसिबल? तो इट इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा? ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। नॉर्मली ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, बट ड्यूरिंग चार्जिंग इट इज ग्रेटर देन ईएमएफ। ध्यान रहेगा ना? और तीसरा केस है कि अगर ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मतलब है कि करंट की वैल्यू जीरो है, तो बताओगे वी ए माइनस वी बी कितना होगा? ओपन सर्किट है तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा? प्लस ई। प्लस ई के इक्वल बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ बैटरी, तो उसकी क्या कंडीशंस हैं? कब ऐसा पॉसिबल होगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इज इक्वल टू इट्स ईएमएफ? तो इट इज इक्वल टू ईएमएफ अंडर टू सर्कमस्टांसेस। आइदर इट शुड बी ओपन सर्किट, मीन्स देर इज नो करेंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, and second it is ideal battery. Ideal battery then internal resistance is zero, और अगर internal resistance zero हो जाएगा तो it is always equal to E. ठीक है ना? दो केस हैं। ठीक है ना? बैटरी में इतनी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब आगे सर्किट्स में बढ़ने से पहले दो बेसिक लॉज हैं वो भी देख लेते हैं, जिसमें से पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको हम शॉर्ट में केसीएल बोलेंगे, ठीक है ना? एंड किरचॉफ्स करंट लॉ इज नथिंग बट चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। किरचॉफ्स करंट लॉ इज सिंपली चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। और मालूम ही है सभी को भाई, जैसे किसी जंक्शन पे अगर बहुत सारे वायर्स आके मीट कर रहे हैं, जैसे ये कोई जंक्शन जे है, तो इधर से करंट आ रहा है, सपोज इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर I3 जा रहा है, इधर I4 जा रहा है और इधर I5 जा रहा है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ सिंपली सेज कि किसी भी जंक्शन पे
कोई चार्ज या कोई करंट एक्यूमुलेट नहीं होगा, रुकेगा नहीं वहां पे, ना ही वहां से जनरेट होगा. तो सिंपली जितना चार्ज एक साइड से आ रहा होगा उतना ही चार्ज आगे की तरफ बढ़ेगा, विच सिंपली स्टेट्स चार्ज कंजर्वेशन. एक साइड से जितना आएगा आगे उतना ही जाएगा. तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई नेट इक्वल टू जीरो. तो समेशन ऑफ आई नेट इक्वल टू जीरो का मतलब ये होगा कि सम ऑफ ऑल इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू जीरो. तो ऑल इनकमिंग लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री माइनस आई फोर एंड माइनस आई फाइव, क्योंकि आई थ्री आई फोर और आई फाइव जो है वो आउट गोइंग करेंट्स हैं. या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इनकमिंग करेंट्स सम ऑफ ऑल इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउट गोइंग करेंट्स. जैसे भी तुम्हें याद रखने में इजी पड़े, सिंपल है और कुछ नहीं है. ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ये एक सर्किट है, ठीक है, कई सारी ब्रांचेज हैं. सपोज इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर 1 एम्पियर जा रहा है, इधर आई जा रहा है, इधर से 5 आ रहा है, इधर 2 जा रहा है, इधर से 1 आ रहा है, और इस ब्रांच में हमें करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर. तो हमें आई का वैल्यू बताना है क्या होगा, निकालो कितना आएगा, व्हाट इज आई. निकालोगे, निकालो देखो. फाइव 5 एम्पियर आएगा, 5 एम्पियर आएगा. यस सर. देखो आई निकालने के लिए हमें इसके बीच में करंट निकालने की जरूरत है ही नहीं. तुम ऐसे समझो कि मैंने ये एक सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है, तो हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि इस सर्कल के अंदर कितना करंट आ रहा है और इस सर्कल के बाहर कितना करंट जा रहा है, वो हमेशा सेम होगा. तो तुम ध्यान से देखो इस सर्कल के अंदर कितना करंट आ रहा है, तो आने वाला करंट हो जाएगा 2 प्लस 5 एंड प्लस 1, और जाने वाला करंट देखोगे तो जाने वाला करंट हो जाएगा 1 प्लस आई एंड प्लस 2. तो तुम्हें यहाँ से सीधे सीधे आई की वैल्यू 5 एम्पियर मिल जाएगी, ठीक है ना. मतलब बीच में कितना करंट है वो निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं इसके अंदर जाने वाला करंट और इसके बाहर जाने वाला करंट हमेशा सेम होगा. तो सिंपल ही है विद किरचॉफ्स करंट लॉ. सेकंड देखना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको हम लोग शॉर्ट में केवीएल बोलते हैं. केवीएल एंड केसीएल ये दो बेसिक लॉज हैं, एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है ना. या हम इसको सिंपली बोल सकते हैं वर्क डन on a unit positive charge in conservative electric field in a closed loop is always zero. मतलब ये बात हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है,
कंजर्वेटिव का मतलब ये कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से हम वापस पॉइंट ए ले आएंगे तो वर्क डन इस प्रोसेस में जीरो आएगा। हम लोगों ने लिखा था ना कि पॉइंट ए से बी ले जाएंगे तो वर्क डन क्या लिखते थे, ए से बी ले जाने में वर्क डन लिखते थे क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। अब अगर ए से ए ले आएंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बिकॉज इट इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो यही प्रॉपर्टी है केवीएल, केवीएल हम इसी को बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका क्या सिग्निफिकेंस है तो वो समझने के लिए हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये E1 है, ये R1 है, R2 है, E2 है, R3 है, E3 है और ये R4 है, ठीक है। और ये मैंने एक लूप लिया हुआ है, लूप A, B, C, D, ठीक है। और ये लूप किसी बड़े से सर्किट का कोई पार्ट है, कोई भी सर्किट है, और उसमें करंट की वैल्यू हमें पता है हर एक ब्रांच में। लेट्स से इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, इसमें I3 करंट है और इसमें I4 करंट है। देखो ध्यान से, किसी बड़े सर्किट का ये कोई भी एक लूप है और उस लूप में हर एक ब्रांच में डिफरेंट बैटरीज हैं, रेजिस्टेंस हैं, करंट है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का सिंपल मतलब ये है कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से चलाना शुरू करते हैं वायर के अंदर अंदर, समझना ध्यान से, तो वायर के अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से शुरू करके वायर के अंदर अंदर ले जा रहे हैं, वायर के अंदर अंदर, तो हम वापस अगर ए पॉइंट पे लेके आते हैं उसको थ्रू अ कंडक्टिंग पाथ, तो वर्क डन उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जीरो आएगा, ठीक है। क्योंकि हम ए पॉइंट से चल के वापस ए पॉइंट आ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मींस वर्क डन जीरो, एंड दिस इज नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये बात लिख लो तुम किरचॉफ वोल्टेज लॉ में, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो अब देखो इसको हम लोग सर्किट में कैसे अप्लाई करेंगे। तो अभी मैंने तुमको बताया था कि वी ए माइनस वी बी कैसे लिखना है, बताया था ना, ए से चल के बी तक जाना है। तो ऐसे ही समझ लो तुमको VA माइनस VA लिखना है, यानी A से चल के A पे आना है। तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं इस डायरेक्शन में चलने के लिए कह रहा हूं, क्लॉकवाइज, कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं बट हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं पॉइंट A से स्टार्ट करके। तो ध्यान से बताते जाओ कौन कौन से टर्म आएंगे, प्लस कहां माइनस कहां, केयरफुली। क्यों भाई, A से चलेंगे जब राइट साइड में तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, सबसे पहले आएगा माइनस E3 आएगा, माइनस E3 के बाद आगे बढ़ेंगे तो अब ध्यान से देखो I3 और R3 दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब I3 R3 के ही डायरेक्शन में है, तो माइनस E3 लिखेंगे और प्लस I3 R3, तो ये आएगा माइनस E3 प्लस I3 R3। फिर नीचे आ रहे हैं तो नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा बताओ, इस ब्रांच में आ रहे हैं तो इस ब्रांच में आ रहे हैं इधर, तो पहले बैटरी का कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, प्लस, तो आएगा प्लस E2 और प्लस I2 R2 आएगा, क्योंकि अभी भी हम I2 R2 के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो तो ये आएगा प्लस E2 एंड प्लस I2 R2। फिर इधर लेफ्ट साइड में आओ तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, तो इसको लिखेंगे प्लस I1 R1 एंड माइनस E1, और फिर ऊपर जा रहे हैं ये हो गया प्लस I4 R4, और ये सम इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। ये जो I1 I2 I3 I4 दिखाए मैंने रैंडमली ऐसे ही दिखा दिए हैं, कुछ भी दिखा सकते हो,
वो तो मालूम है नहीं, वो तो सर्किट के हिसाब से आएंगे, बट हम लोग को ये समझना है कि ये एक्सप्रेशन हम कैसे लिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा सर पूरा चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है, हर जगह सर्किट सॉल्व करना है। तो मेरे मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना, जैसे ए से चले तो पहले कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, माइनस, तो माइनस लगा दिया, फिर इसके बाद आई थ्री आर थ्री प्लस में करंट के डायरेक्शन में प्लस, फिर ई टू पे आए तो प्लस टर्मिनल पहले है, फिर आई टू आर टू, इसी तरह से पूरा सर्किट है, देख लो। कोई डाउट है बताओ, ये इक्वेशन कैसे बनाई है, बस इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's current law। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा डीसी सर्किट्स। ठीक है, देखो अगेन सर्किट्स को अगर हमें सॉल्व करना है, सर्किट सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमको बैटरी रेजिस्टेंस इन सब का एक कॉम्बिनेशन दिया होगा, ठीक है, और हमें डिफरेंट ब्रांचेस में करंट निकालना होगा, डिफरेंट ब्रांचेस या डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं सॉल्विंग सर्किट, सॉल्विंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने के बीसीओ तरीके हैं, ठीक है ना, इससे कम नहीं होंगे। और अब बात यह आती है कि जब हम पढ़ेंगे मेथड्स को, तो सारे मेथड्स को पढ़ के फिर हम उसको अप्लाई करना सीखें कि कौन सा मेथड हमें कहाँ अप्लाई करना आसान रहेगा। या मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि भाई एज अ स्टूडेंट जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आया तो हम सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, तो मैं इसको उसी तरह से डिसाइड करके चलता हूँ। तो इसको ऐसे समझो कि जब हमारे सामने कोई सर्किट आया तो तुमको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि वो सर्किट सिंगल बैटरी सर्किट है या फिर मल्टीपल बैटरी सर्किट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारा हेडिंग यही रहेगा, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिंगल बैटरी सर्किट, ठीक है ना, सिंगल बैटरी सर्किट। तो ये तो आसानी से पता चली जाएगा ना कि सिंगल बैटरी सर्किट है, ठीक। अब देखो सिंगल बैटरी सर्किट में सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, तो उसके सीधे सीधे स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स तुम नोट कर लो। स्टेप वन में हम लोग लिखेंगे कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब वो सिंगल बैटरी होगी तो उस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है वो हम लोगों ने देखे हैं तीन चार मेथड, ठीक है। सेकंड स्टेप में टोटल करंट थ्रू बैटरी, अब बैटरी से जो टोटल करंट निकलेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं आई टोटल इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट। EMF उस बैटरी का हो गया, R equivalent जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। और थर्ड स्टेप होगा डिवाइड I total according to series
oblique parallel combination of resistances. ठीक है ना, अब सीरीज में तो कुछ डिवाइड करना ही नहीं है, सीरीज में तो करंट सेम रहेगा, हाँ पैरेलल में डिवाइड करना होगा, तो पैरेलल में याद रखना कि पैरेलल के केस में सीरीज में तो करंट सेम ही रहेगा, पैरेलल में डिवाइड करना पड़ेगा, तो पैरेलल के लिए तो मैंने कहा था कि याद रखना आगे काम आएगा कि जो करंट का रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, यानी आई वन और आई टू का जो डिवीजन होगा वो वन अपॉन आर वन इज टू वन अपॉन आर टू के रेशियो में होगा। ये सिंपल मेथड है फॉर सिंगल बैटरी सर्किट। ठीक है, तो हम इस मेथड से वो सारे सर्किट हम सॉल्व कर पाएंगे जिन सर्किट्स का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे सर्किट्स का रेजिस्टेंस निकालना सीख गए। हाँ, जो हमारे सिलेबस में है या जो पूछे गए हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाओगे, उससे तुम्हें उसका करंट वगैरह सारे चीजें निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो एग्जाम्पल एक दे रहा हूं, बताना। ठीक है, सपोज ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 3 ओम 6 ओम 4 ओम 4 ओम और ये बैटरी दी हुई है हमको 12 वोल्ट और ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो हमको इसमें निकालना है फाइंड करंट फ्लोइंग इन वायर ए बी। देखो फाइंड करंट फ्लोइंग इन वायर ए बी, निकालो इसको। हाँ, निकाला इसका आंसर। भाई सिंगल बैटरी सर्किट है तो तुमको बस ये देखना है कि वो जो ये जो सर्किट बना हुआ है इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा,
और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो तरीका बताया गया वो ये है कि वायर से जुड़े हुए जो दो पॉइंट होते हैं उनको हम एक ही पॉइंट एज्यूम करके एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो सर्किट है ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। वायर वाले पॉइंट्स अगर हम एक साथ कर दें तो इधर 3 और 6 पैरेलल में हो जाएंगे, इधर 4 और 4 पैरेलल में हो जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 3 और 6 हो जाएंगे 2 ओम और 4 और 4 भी हो जाएंगे 2 ओम, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम। आर इक्विवेलेंट 4 ओम आया तो इसके बाद टोटल करंट सर्किट में कितना हो जाएगा? तो टोटल करंट होगा ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये हो जाएगा 12/4, यानी कि ये होगा 3 एम्पियर। देखो यहाँ तक ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी से 3 एम्पियर का करंट निकलेगा और बैटरी को 3 एम्पियर का करंट वापस मिलेगा। अब इस 3 एम्पियर को तुम इस सर्किट में डिवाइड करो, तो देखो 3 एम्पियर जब इस कॉर्नर पे पहुंचेगा पहले वाले कॉर्नर पे, तो ये 3 और 6 किस में आ रहा है? ये 3 और 6 पैरेलल में है, और अगर 3 और 6 पैरेलल में है तो करंट का डिवीजन रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होगा, समझना। तो रेजिस्टेंस का रेशियो है 3:6 यानी कि 1:2, तो करंट का रेशियो होगा 2:1, मतलब ऊपर 2 पार्ट्स और नीचे 1 पार्ट्स। तो डिवाइड कर लो, ऊपर 2 पार्ट्स का मतलब होगा ऊपर 2 एम्पियर जाएगा और नीचे 1 पार्ट का मतलब नीचे 1 एम्पियर जाएगा। इसके बाद फिर से 4 और 4 में देखोगे तो 4 और 4 दोनों इक्वल है, तो इन दोनों में करंट भी इक्वल होगा, तो इक्वल करंट कितना हो जाएगा? तो इक्वल करंट इधर भी 1.5 और इधर भी 1.5। बताओ हर एक रेजिस्टेंस से करंट आ गया। अब जो तुम्हें हर एक रेजिस्टेंस से करंट मिल गया है तो यही सेम करंट तुम ओरिजिनल वाले सर्किट में शो कर दो। तो जब तुम इसी करंट को ओरिजिनल सर्किट में शो करोगे तो इधर 3 एम्पियर में जा रहा, 3 ओम में जा रहा था 2 एम्पियर, 6 ओम में जा रहा था 1 एम्पियर, 4 ओम में जा रहा था 1.5 एम्पियर और इस 4 ओम में जा रहा था 1.5 एम्पियर। बोलो तो अब इस वायर ए बी में कितना करंट जाएगा? तो वायर ए बी में तुम ध्यान से देखो, वायर ए बी में करंट ए से बी की तरफ जाएगा। तो अगर हम इसको आई लेते हैं तो हम लोग केसीएल से लिख सकते हैं ना, यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ क्या लिख सकते हैं? 2 इज इक्वल टू आई प्लस 1.5, तो तुम्हें यहां से आई ए बी की वैल्यू मिल गई 0.5 एम्पियर। बताओ अगर नहीं कर पाए तो देखो क्या डाउट था, क्लियर है अब? या और कोई डाउट है बताओ? सर ए और बी तो सेम पोटेंशियल पे हैं तो करंट कैसे फ्लो करेगा? हाँ, एक दो लोगों ने डाउट पूछा और मैं हमेशा इस डाउट का इंतजार करता हूँ कि बच्चे पूछें तब बताने में ज्यादा मजा आएगा। देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि भाई वायर से जो भी पॉइंट जुड़े होते हैं वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं। अब अगर ए और बी सेम पोटेंशियल पे हैं तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है? तो अच्छा, मेरी दूसरी बात का जवाब देना। लेट से मैं ये बोलूं कि पॉइंट सी और पॉइंट डी, दिख रहा है पॉइंट सी और पॉइंट डी, इनके बारे में क्या कहोगे? ये सेम पोटेंशियल पे हैं कि अलग अलग पोटेंशियल पे हैं? क्यों भाई? सेम पोटेंशियल पे हैं। तो करंट फ्लो होगा या नहीं होगा ये बताओ, करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? होगा। ऐसा कैसे? सेम पोटेंशियल में करंट कैसे फ्लो कर रहा है? तो जैसे यहाँ पे फ्लो कर रहा है वैसे यहाँ पे फ्लो कर रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने जहां भी लिखवाया है मैंने बहुत एग्जैक्ट लैंग्वेज एकदम केयरफुली लिखवाया हुआ है,
जहां पे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे हैं, मैंने वहां हर जगह एग्जैक्ट वर्ड यूज किया हुआ है, तुमने एग्जैक्टली कॉपी किया होगा तो तुम्हें मिल जाएगा ढूंढने पे। मैंने बताया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पे जो पॉइंट होते हैं वो एग्जैक्ट सेम पोटेंशियल पे होते हैं, और अगर पॉइंट्स एग्जैक्ट सेम पोटेंशियल पे हैं तो उनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जो मेटल वायर से जुड़े हुए पॉइंट होते हैं ये अप्रोक्सीमेटली सेम पोटेंशियल पे होते हैं। जैसे अब तुम कैलकुलस पढ़ रहे हो तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा समझ में आ सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना करंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर, बोलो, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ करंट इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। अब हो क्या रहा है कि डी वी भी टेंडिंग टू जीरो है और डी आर भी टेंडिंग टू जीरो है, और अगर दोनों टेंडिंग टू जीरो है तो ऐसा पॉसिबल है ना कि करंट नॉन जीरो हो जाए। एक्चुअली ए और बी सेम पोटेंशियल पे नहीं है, ए और बी अप्रोक्सीमेटली सेम पोटेंशियल पे हैं, देयर पोटेंशियल्स आर वेरी क्लोज बिकॉज देयर रेजिस्टेंस, जो ए बी वायर का रेजिस्टेंस है वो टेंडिंग टू जीरो है, तो रेजिस्टेंस भी टेंडिंग टू जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस भी टेंडिंग टू जीरो है, बट करंट उसमें नॉन जीरो है, तो जीरो अपॉन जीरो फाइनाइट हो सकता है ना, बोलो। यस सर, यस सर, अभी क्लियर है ना क्यों ऐसा है? Yes, और यही सेम रीजन सीडी में भी है, तो सी से डी में करंट फ्लो कर रहा है, सीडी सेम पोटेंशियल पे है, तो सेम है बट दे आर अप्रोक्सीमेटली एट सेम पोटेंशियल। और प्लेन ऑफ सिमेट्री पे मैंने जहां जहां लिखवाया वहां मैंने एग्जैक्ट लिखवाया हुआ है, जहां एग्जैक्ट है वहां जीरो करंट है, बट जहां अप्रोक्सीमेटली सेम है वहां पे करंट पॉसिबल है। ठीक है? यस सर, यस सर। तो ये क्वेश्चन और नोट कर लो फिर, चलो फिर आगे नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे फिर इस पे।